हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। हमारे इस मंच पर जितने भी वरिष्ठ कलाकार रचनाकार हैं और दूर दूर से जो हमारे दादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। जितने लोग मंच पर हैं सभी को हृदय से नमन वंदन है और हमारी जितनी बहनें हैं सभी को प्रणाम है। सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। हाँ डाल दीजिए फोटो ताकि और हंगामा हो। आइए अपनी ओर से, क्योंकि बहुत सारे कलाकार अभी बैठे हुए हैं, छोटा सा गीत अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूं। कहा है मुंबई वालों ने, अरे कसमे खाई वादे तो देती है। और ये मेहदी खरे जी, योगेंद्र बुंदेला जी और भूपेंद्र रावत जी, आप सभी की ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी कल्याण करें। कहना तो हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
भाई साहब का ये प्यार है। और जानते हैं आप कि मेरे कार्यक्रम चल रहे थे, कल भी मेरा कार्यक्रम था, आज मैं सीधा कार्यक्रम से आपके यहाँ आई हूँ। सुने चंद पंक्तियाँ जो तैयार हुई है, वो पंक्तियाँ आप सभी के बीच में रख रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ मंच पर मंचासीन सभी कलाकारों से, हमारे वरिष्ठ रचनाकारों से भी। सुनिएगा कहना है क्या बनेगा के कवि कुल के कला प्रवी आदरणीय दादा स्वर्गीय श्री मैयादेव तिवारी जी, उनके चरणों में ये चंद पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ और कह रही हूँ कि कवि कुल के कला प्रवीण कवि, ये कवि कुल के कला प्रवीण, कवि कुल के कला प्रवीण वो मैया दीन नहीं भूले। निवेदन कर रही हूँ, एक एक लाइन को सुनिएगा। तो कवि कुल के कला प्रवीण वो मैया दीन नहीं भूले। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके पुत्र भैया देवेंद्र तिवारी जी उर्फ पप्पू भैया, शुद्ध बिल्कुल सुंदर सा ये पुष्पमाल और अनगिनत आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। बार बार आपको प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी, सुने कहना है। और हमारे बहुत अच्छे कलाकार भैया मंचला जी से भी निवेदन करूंगी मंच पर आप आए। हाँ निकाल लीजिए, कम ना दीजिएगा, हम लोग रुके हम रुके। हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के प्रतिनिधि बहुत अच्छे कलाकार भैया नीलेश ज्वाला जी, आपकी ओर से सुंदर सा पुष्पमाल और साथ में ये 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से प्रणाम है मेरी ओर से, कहना है। तो कवि कुल के कला प्रवीण वो मैया दीन नहीं भूले, के ना दीन ना रहे बाबूलाल भैया से भी निवेदन करूंगी और दादाजी से भी कहना है कि वो लोक गीत और कीर्तन में जिसके राजा मास्टर को पुरस्कार नहीं मिल रहा,
नहीं उनको हम बाद में दे देंगे, अब पहले दे देंगे तो कहीं भाग गए तो क्या होगा। आजकल भरोसा नहीं कौन किधर चला जाए। नहीं अभी तो नहीं देंगे हम, हम थोड़ा काम मजबूती वाला करते हैं। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। कहना है वो लोक गीत और कीर्तन में बुंदेलखंड की गरिमा थे और संगीत राग रागिनी प्रथम, संगीत राग रागिनी प्रथम वो प्रतिभावान की प्रतिमा थे। संगीत राग रागिनी प्रथम वो प्रतिभावान की प्रतिभा थे। तो कहना आज उनकी याद में उनका पूरा परिवार के चल बिन ज्यो तड़पे मीर, उनकी याद में उनका पूरा परिवार तड़प रहा है। इसलिए कह रही हूँ के जल बिन ज्यो तड़पे मीर वो मैया दीन नहीं भूले। परिवार उनकी याद में तड़पता है और तड़प रहा है, जब तक सांसें रहेंगी तब तक तड़पेगा, क्योंकि वो स्थान पूरा हो नहीं सकता है, पूर्ति चाहे जितनी की जाए। और हमारे आदरणीय दादा, आदरणीय हमारे दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, आपकी ओर से ये सुंदर सा माल और साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद है, आपको हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बार बार आशीर्वाद चाहूंगी, सुने। और अभी देखा भी आप लोगों ने कीर्तन तुम कलाकारों के माध्यम से हुआ, सुना है आप लोगों ने, कुछ शब्द पिरो रही हो दादाजी। कहना है जो रहे लाल के मन चंचल, और भैया से कहना कि जो रहे लाल मन के चल चल और राजपूत नादान रहे, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना है। और अब लाल चंद्र वैसे मिलते, दादाजी चंद्र वैसे मिलते जो राम सुरेश विद्वान रहे। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, हमारे चैनल के माध्यम से ये सब सुना जाएगा, मगर सबसे ज्यादा अगर कहा गया है तो मेरे बारे में ही कहा जाता है कि ये बहुत बोलती हैं। बाबूलाल भैया आज आज जहाँ 10 रुपए ज्यादा मिल गए व्यक्ति उधर खींच के चला जाता है। कीर्तन में भी राजनीति चल रही है, कुछ लाल ऐसे हैं जो कीर्तन के लिए सच्ची श्रद्धा रखते हैं और कुछ लाल ऐसे हैं जो 10 रुपए के लिए निकल जाते हैं। सुनिए तो मेरी बात कह रही है अब लाल चंद वैसे मिलते जो राम
विश्वविद्यालय तो मन चलावा माता दी, जिन्होंने पूरी जिंदगी कीर्तन के लिए समर्पित कर दी है, हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। जब से कीर्तन की शुरुआत हुई कहीं सुनने में नहीं आया कि आज वहाँ राजनीति हो रही, वहाँ कूटनीति हो रही, आज बच्चे लगे पड़े हैं जंग करने में। तो हमारे दादा लोगों से सबको शिक्षा लेनी चाहिए, कहना है कि मन चलावा माता दीन वो मैया दीन नहीं भूले, और कभी कुल के कला प्रवीण वो मैया क्योंकि बहुत सारे कलाकार बैठे हैं, कहना है कि है विनय के माँ इस आंगन में, पावन धरा पर मौजूद है, इस धाम में मौजूद है, बस मांग क्या रही हो, क्या बने सुने के है पीने के माइस आंगन में फिर जन्म आप ले आएंगे, और बुंदेलखंड उत्थान समिति के बुंदेलखंड उत्थान समिति का गौरव आप बढ़ाए। कहा तो हमने यहाँ तलवारें कहीं और चल जाएंगी, सुनिए तो संगीत के ये शौकी चाहती हूँ कि ये समिति हमेशा बरकरार रहे, हमेशा इस पर प्यार बना रहे, भगवान का दुलार बना रहे, और हर कलाकार ऐसे ही मिलता जुलता रहे। तो संगीत के ये शौकी वो मैया दीन नहीं भूले, और कभी कला के कभी कल के कला प्रवीण वो मैया दीन नहीं भूले। मेरी ओर से गीत की है, सुनिएगा और क्या कहना चाह रही हूं कि राखी नीलम सी चमक दिखे, हमेशा इस परिवार में, क्योंकि संगीत एक परिवार होता है, इसलिए कह रही हूं कि राखी नीलम सी चमक दिखे, और पथ निरखत कवि राजेंद्र रहे, और राजीव नयन जैसे सतीश हिल मिल के अशोक देवेंद्र रहे। हमेशा दोनों भाइयों का प्यार आपस में बना रहे, हिलमिल के रहे, अच्छे से अच्छे आयोजन होते रहे, अच्छे से अच्छे कलाकार
आते रहे तो कहना है क्या बेटे के राजीव नयल जैसे सतीश हिल मिल के अशोक देवेंद्र रहे तो रोशनी के रोशनी ये कला नवी रोशनी की कला नवी वो मैया दी नहीं भूले और कभी कुल के कला प्रवी वो मैया दी नहीं भूले से आए हमारे सम्माननीय बड़े भैया राजीव मिश्रा जी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है मेरे लिए और बहुत अच्छे नाल वादक बुंदेलखंड से ही आपके हमारे भाई आशीष सोनी जी के लिए भी आपने 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आपको कहना है तो कभी कुल के कला प्रवीण वो मैया दी नहीं भूले ना रहे दीन और ही वो मैया दी कभी खुल के कला प्रवीण